रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल, यह मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यह प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। क्या तूने है? लाल लिपस्टिक लगाने यहाँ बोला था ना, पिंक लिपस्टिक क्यों लगा के आ गई है? बिना रुक एक मिनट, ये निकाल के ये लगा के आ जा। सॉरी मम्मी, जल्दी जल्दी में ना रूबी रेड की जगह मुझे पिंक लगाया ही मैं। नहीं है, ओ दो घंटे में तो तैयार हुई है क्या? जल्दी जल्दी, ओ इतनी देर में तो मैं मोहल्ले की सारी लड़कियों को तैयार कर देती। जा ना जल्दी अबू। एक तो इस लड़की ने मेरा खून पी रखा है, ऊपर से ये गर्मी, मेरी तो जान ही सूख जानी है। तो इतना गुस्सा भी मत करो ना फिर। चुप कर, हमेशा माँ को ही कहता रहता है, कभी अपनी बहन को भी कह दिया कर। और जितनी जबान लगाती है ना उतना दिमाग चला लेना उसका आधा भी, तो काम चल जाना उसका। ओए होए स्यापा, हो गई ना ट्रेजेडी, अब मेरा काम कैसे चलेगा? ऐसा काम चलेगा, तुमने क्या हाल बना रखा है लिपस्टिक का। पुत्र जी, जो लोग लेट आते हैं ना वो दूसरों से सवाल नहीं करते। खैर छोड़ो, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर है तो सारे काम निपट जाते हैं, और तुम्हारे यहाँ तुम लोग तो खुद ही नौकर हो और खुद ही मालिक हो। ओए ओ जल्दी जल्दी मेकअप कर, उसका काम कर पुत्र, कंपटीशन शुरू होने वाला है, जा मेकअप ठीक कर। मानसी चलो। अरे वीना कैसी हो? देखो मेरी मानसी लग रही है ना सिंड्रेला से भी ज्यादा सोहनी लग रही है मेरी कुड़ी। हाँ बहुत सुंदर लग रही है। अरे वेन्यू पर आए हुए सारे जवानों की नजर सिर्फ मेरी मानसी पर थी, मैंने खुद देखा, एक भी जवान ऐसा नहीं था जो मेरी बच्ची को मुड़ के ना देख रहा हो। वो घर से निकलने से पहले मैंने तो नजर तक उतार ली थी, बस एक बार गाना गा दे फिर देखना, अरे लाइन लग जाएगी जवानों की उसके सामने शादी करने के लिए। हाँ किरण जी, मानसी अच्छा गाती है पर उस पे इतना प्रेशर मत बनाइए, और ये कंपटीशन एक अच्छे नेक काम के लिए हो रहा है तो उसे बस मस्ती मजाक तक ही रहने दीजिए ना। हाँ वीना, मेरी बच्ची के फ्यूचर के साथ नो मस्ती नो मजाक, मिस द्वारा घाट बनेगी अगर कोई तो सिर्फ मेरी मानसी बनेगी। हाँ हाँ, और तो जैसे कोई लड़की है ही नहीं यहाँ, सब समझती हूँ मैं, कितना जल्दी है ये मेरी ज्योति और संध्या से, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या हो गया, क्या सोचने लग गई ना? नहीं मैं सोच रही थी आप जानती हैं या नहीं। क्या? यही कि ज्योति भी पार्टिसिपेट कर रही है आज के कंपटीशन में। ज्योति, तुम्हारी बेटी ज्योति, सुबेदार जी की बेटी ज्योति? मेरी वाली, एक वही तो है जिसके जैसा कोई भी नहीं। मुंह बेड़ा करके मानसी, क्या हुआ मम? स्यापा मुंह के बेड़ा करके तुम मेरे को एक बात बता, तुझे पता था क्या कि ये ज्योति भी पार्टिसिपेट कर रही है कंपटीशन में? बता मुझे,
ज्योति मॉम अब क्या होगा मेरा? मैं तो गई, मॉम वो क्या पार्टिसिपेट कर रही है? मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, चल कुछ सोचते हैं अब, चलनी चल बेटा करके। सब हो गया सर, पेपर वर्क, सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग इज डन। बस बारूद को आज ही हम सिक्योर फैसिलिटी में शिफ्ट करवा देंगे। प्लीज मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। जय हिंद। हेलो। हेलो जी, मेजर आर्यन जी, मैं किरण बोल रही हूँ जी। सॉरी मैंने पहचाना नहीं। ओ जी, मैं आपके ब्रिगेडियर सर है ना, उनकी वाइफ किरण मेहरा। हेलो मैम, सॉरी। ओ जी सॉरी वॉरी को गोली मारो आप, आप तो बस मुझे ये बताओ हमारे द्वारघाट इवेंट में आ रहे हो ना आप? जी द्वारघाट इवेंट ना हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा और खास एनुअल इवेंट होता है। ओ जी ये तो मिस नहीं करने देना मैंने आपको। जी जी आ जाऊंगा मैं, थैंक यू। चंगी गल, कट कर दिया। मुझे बड़े कट-कट बात करता है ये तो मुंडा, और हमारी कुड़ी बात करना शुरू करती है तो कट ही नहीं करती है। ओ जी जो भी बोलो, जोड़ी बड़ी कमाल की है। अरे सर अब इस साल में मेरा मतलब आपने चेंज नहीं किया? वो सॉरी आशीष, वो एक्चुअली तुम्हारे शादी का इनविटेशन नहीं मिला मुझे। शादी? अभी तू शादी कर रहा है, मुझे बताए भी नहीं, कैसा दोस्त है यार तू। मैं मुझे खुद को नहीं पता मेरी शादी हो रही है। सिर्फ इसे नहीं, तुम दोनों को देख के ऐसे लग रहा है कि दोनों गधे घोड़ी चलने वाले हैं। अरे सर आप हमारे साथ चलिए तो सही, बूढ़े से लेके जवान सभी तैयार होकर आ रहे हैं वहाँ। जाओ तुम दोनों तो अपने लिए अच्छी लड़की ढूंढो, मैं यहाँ बैठ के बारूद को सिक्योर फैसिलिटी में शिफ्ट करवाता हूँ। शिफ्ट? सर मुझे लगा कि हॉस्पिटल में रहकर उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी है, अगर आप बोलते हैं तो नहीं जाएंगे सर, है ना? हाँ सर हम नहीं जाएंगे। नो 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 इट्स ओके। No, we'll stay, sir. It's an order. Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है? अच्छा सर बड़े मेहरबान है। हाँ? पूछ ले। इससे पहले अपना इरादा बदल लो। बाबू। बिना मुझसे पूछे आपने कंपटीशन में मेरा नाम क्यों लिखवाया? मेरे अलावा हमारे घर में सब अपनी मनमानी करते हैं और उस दौड़ में सबसे आगे तू है। ऐसे क्या देख रही है? तू ही है जो सबसे ज्यादा मनमानी करती है। अरे इन चीजों में नहीं माँ, आपको पता है ना मुझे ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे मिस इंडिया नहीं मिस द्वारघाट जीतना होगा तुझे, अब बहसबाजी बंद कर और जीत के आ। हलवा है क्या माँ? मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ, मेरे पेशेंट्स ना मेरा वेट कर रहे हैं। अरे अरे आज के दिन ना कोई भी मरीज नहीं आता हॉस्पिटल में, सब जानती हूँ मैं, और तुम लोगों के लिए तो माँ और बाप बूढ़े और बेवकूफ हैं। बस अपना काम करवाओ और अपनी बात मनवाओ। माँ मुझे बहुत अच्छे से बताया आप क्या कर रहे हो, इसलिए ट्राई भी मत करना, और मैं आपकी ये सब बातों में नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ अभी। ऑल द बेस्ट। अरे अरे सुन तो सही ज्योति। जवानों की पूरी टोली आ गई, बस मेजर ड्रैकुला नहीं आए। क्यों आएंगे? कौन सा उन्हें यहाँ कोई आतंकवादी मिलने वाला है? ओह क्या हुआ? आप लोगों को मैं मेजर ड्रैकुला, मेरा मतलब है मेजर आर्यन जैसी दिख रही हूँ, जो मुझे देख के चौंक गए। अरे वो यहाँ कैसे आएंगे वैसे?
एरर से चल के जैसे हम सब आए। वेरी फनी। हाँ वैसे फनी तो है क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में बैठे होंगे पैर जमा के। वैसे आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से जानने लगी है ना, वो ड्यूटी पर हैं एज यूजुअल। एग्जैक्टली एज यूजुअल, सबको इग्नोर कर रहे होंगे, बस अपने मन की कर रहे होंगे, दुनिया गई फाड़ में कोई परवाह नहीं। और वैसे भी हम हैं कौन उनके सामने, है ना, वो कहाँ और हम कहाँ छोटे लोग, है ना। एक बात बताइए डॉक्टर चौधरी, हमारे विचार ने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या बिगाड़ा है ये पूछो, क्या नहीं बिगाड़ा है? जब से हमारे घर में आए ना, अरे नाक में दम करके रख दिया है, इतने इरिटेटिंग है वो, और अब उनकी बातें करके ना मैं भी इरिटेट हो गई। हटो, चलो जाने दो मुझे, ये लो शैतान का नाम है और शैतान हासिर। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको हेलो बोला मीजा आ रही, अब सॉरी वो एक्चुअली मुझे लगा कि सॉरी। चलो भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलो चलो बस हो गया, बहुत काम कर लिया सबने, अब गर्मा गर्म जलेबी खाओ। अरे सुनेश भाई इसकी क्या जरूरत थी, यहाँ तो पहले से ही खाने का इतना सामान पड़ा हुआ है। दादा जब गुड न्यूज होता है ना तब मिठाई के साथ ही कहा जाता है। अरे भाई लेकिन ऐसी क्या गुड न्यूज है? आदेश उसका जो हेलीकॉप्टर था ना बचाव मिशन के लिए गया था, वो सुरक्षित उतर गया है और बचाव का काम भी शुरू कर दिया है बच्चों ने। या अल्लाह तेरा शुक्र है, साहिल और बाकी साथियों की सलामती के लिए जो दुआ आज ही की थी वो कबूल हो गई। क्या बात है, बात है। अरे भाईजान इसलिए अब जलेबी भी कबूल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो खाओ 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 खाओ। हेलो भाइयों कैसे हैं? जैन सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते से सीनियर का पेट नहीं भरने वाला, जलेबी चाहिए। सर बिल्कुल, पूरी की पूरी आपकी है, पैकेट ले जाइए सर। नहीं नहीं ठीक है, शुगर है, बीबी ने देख लिया तो खैर नहीं। सही फरमाया आपने। एक 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 सर एक। अरे भाई सब लोग जलेबी तो खाओ, प्रेम से लाए हैं। आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए, सब लोग लीजिए लीजिए लीजिए। अरे बाप रे, एक जरूरी काम याद आ गया। हाँ बाहर जाके रेसिंग ट्रैक भी तो बनाना है। हाँ चलो चलो चलो। हेलो हेलो, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जी आप सभी का मिस द्वारा घाट 2022 में स्वागत है, तालियां। जी एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप लोग बड़े ही अच्छे लग रहे हो सारे के सारे। जी लोगों भी क्यों ना, आज का दिन है ही बहुत बड़ा। जी आज के दिन अपनी बहनों अपनी बेटियों और उन दोस्तों को हम याद करते हैं जिनके हस्बैंड्स ने हमारी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। जी आज के दिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि वो लोग अकेले नहीं है बल्कि पूरा द्वारा घाट है उनका परिवार। जी ये रिप्रेजेंट करती है मिस द्वारा घाट, जो इस कंपटीशन को जीत कर बनती है मिस द्वारा घाट। जी वैसे तो आप लोग जानते ही हो हर साल ही इवेंट होता ही है, पर जी कमेटी की ट्रस्टी होने के नाते और जज होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं राउंड्स के रूल सारे के सारे दोबारा से समझा दूं, है? और जी मिस द्वारा घाट कंपटीशन के होते हैं टोटल 4 राउंड, हर राउंड के अंत में कंटेस्टेंट के पॉइंट गिने जाते हैं और जिस कंटेस्टेंट के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो उस राउंड की हो जाती है विनर, और ऐसे करते करते 4 राउंड में जो सबसे ज्यादा जीतेगी वो बनेगी मिस द्वारा घाट। और जी चारों राउंड को लगातार जीतने के बाद जो बनेगी मिस द्वारा घाट उसे मिलेगा सम्मान द्वारा घाट मशाल जलाने का। तो
अभी सबसे पहला राउंड है उसका, जिसको देख के आ जाता है सबके मुंह में पानी, हर कोई ललचा जाए, बच्चा हो या फिर पोपली नानी। बताओ बताओ कौन क्या बताओ? समोसा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट जवाब पुत्र जी, कुरकुरा समोसा। इस राउंड में ना 30 मिनट में जो सबसे ज्यादा समोसे बनाएगी वो होगी उस राउंड की विनर। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि आप अपने घर के किसी एक सदस्य की हेल्प ले सकते हो। तालियां। कितनी चालू है ये किरण आंटी, इस साल ये रूल में चेंज किया क्योंकि इसका फायदा मानसी को होगा, मतलब मानसी सिर्फ नाटक करेगी और समोसे बनेगी किरण आंटी। इन्हें और आता ही क्या, लोगों को बनाने के अलावा। और जो दूसरा राउंड है रंगोली राउंड, पर इसमें भी ट्विस्ट है, इसमें हेल्प नहीं मिलने वाली, इसमें कंटेस्टेंट को अपने आप ही सारा कुछ मैनेज करना होगा, ठीक है? और जी फिर बारी आती है तीसरे राउंड की, और जी तीसरा राउंड है तीन टांगों की दौड़, इसमें कंटेस्टेंट अपने पापा जी के साथ या फिर अपने फैमिली के किसी बड़े सदस्य के साथ रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब मानसी का साथ देंगे ब्रिगेडियर अंकल, जिनके आते ही पूरा द्वार घाट अटेंशन में खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई उनके सामने भागेगा ही नहीं, तो जीतेगा कौन? मानसी। और जी फिर होगा चौथा राउंड, यानी कि फोर्थ राउंड, ये है टैलेंट राउंड, इसमें कंटेस्टेंट को अपना टैलेंट दिखाना होगा और यहाँ बैठे जजेस और सारे लोगों को इम्प्रेस करना होगा। तालियां। जहाँ मानसी वो गाना गाएगी जो संध्या ने उसे सिखाया है, मतलब रियल टैलेंट तो यहाँ पे संध्या का है, जो मानसी जैसी बेसुरी को भी सुर में ले आई। और बाकी अगर कोई कमी रह गई तो किरण आंटी के चट्टे बट्टे जजेस तो है ही, वो अनदेखा कर उसे इस राउंड का भी विनर बना देंगे। और जी एक बात और, अगर चौथे राउंड में टाई हो भी जाता है तो होगा हमारा टाई ब्रेकर राउंड, जो कभी होगा नहीं क्योंकि मानसी ऑलरेडी सारे राउंड जीत चुकी होगी, सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है ज्योति, सिवाय मेरे एंट्री के। क्या तू कंपटीशन में पार्ट ले रही है? ऐसी क्या मोटिवेशन मिल गई तुझे? मोटिवेशन भी और अपने आप को साबित करने का चैलेंज भी, शायद यही मेरा मौका है। मुझे पता था ज्योति कि तुम माँ की बात कभी भी नहीं टालोगी। भाईजान जी, ये लीजिए, ये उस तरफ वहां पे कस के बांधिएगा, हाँ फिनिशिंग लाइन है, नजर आ रही है। राजेश, इतना शिद्दत से तुम ये सब करता है, लगता है छोटी बिटिया भी भागने वाली है रेस में। ज्योति, इस रेस में ज्योति सिर्फ अपनी गलतियों से भागने की रेस में फर्स्ट आ सकती है प्रभु भाई, उसके बस का ये सब नहीं है। जाइए जाइए, बांधिए उधर। माँ को तो बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मुझे था, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से कर ली। वैसे तेरा मन कैसे बदल गया? अब ये मत कहना कि मेरे कहने से आई है। माँ, आपको पता है ना, फिर क्यों पूछ रही हो? हो हो, गुस्सेल बाप। हाँ, उनका गुस्सा ना बहुत बोरिंग हो गया, हर बात पे गुस्सा होते रहते हैं। मैंने सोचा इसे थोड़ा चेंज किया जाए, अपने गुस्सेल पापा से एक स्वीट लविंग पापा बनाया जाए, और उसके लिए अगर मुझे चार राउंड में पार्ट लेना पड़े, ठीक है वो भी कर लूंगी। कभी अपनी माँ का भी कहा मान ले, जीतना है तुझे तो जीतने की सोच। सिर्फ सोचने से समोसा नहीं बनता है माँ। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तू सिर्फ मसाला रेडी कर, बाकी मैं और संध्या सब देख लेंगे। देखो मैं सारी तैयारी करके लाई हूँ, मसाले तेल। अरे अरे गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? सारा सामान है, बस मैदा ही भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? तूने तो ध्यान से पैक किया था ना?
हाँ माँ, और मैंने दो बार चेक भी किया था, पर फिर भी पता नहीं मैदे की थैली है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं, गलती से रह गया होगा। नहीं नहीं, मेरी गलती के वजह से मैं ज्योति को ये कंपटीशन हारने नहीं दे सकती। किसी ना किसी के पास ना एक्स्ट्रा मैदा जरूर होगा, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाभी सुनो तो। मैं अभी आई। डॉक्टर, आर यू 100% श्योर कि बारू की कंडीशन अभी स्टेबल है और उसे शिफ्ट किया जा सकता है? 200% मेजर आर्यन, पिछले 6 घंटे से उसके वाइटल्स भी नॉर्मल है और उसे मेडिसिन से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं।